अगर ये इतना फ्री होगा जो इसका गलत सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। गाड़ी मारुति सुजुकी SX4 है, जैसे आप सब देखोगे इसकी इग्निशन की सिलेंडर में एंटर करनी है, जैसे आप सब देखोगे सारे इंडिकेशन आएंगे, वार्निंग इंडिकेशन क्लस्टर मीटर में, और गाड़ी है मारुति सुजुकी SX4। और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है ये आप सब देखोगे, एक बार ब्लोअर ऑफ करते हैं। इसका जो क्लच पैडल है ये वाला, ये पैडल, ये आप सब देखोगे बिल्कुल फ्री हो गया, ये 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 आप सब देखोगे ये जो क्लच पैडल है बिल्कुल ये फ्री हो गया है, ये आप सब देखोगे ये इतना फ्री नहीं होना चाहिए। अगर ये इतना फ्री होगा जो इसका गलत सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। आप सब देखोगे इतना ये फ्री है बिल्कुल, मींस जो इसका सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम वो फेल हो गया है, या तो इस जगह इसका सिलेंडर होता है, आप सब देखोगे उस जगह वो सिलेंडर, ट्रांसमिशन के अंदर एक सिलेंडर दिया जाता है, दो सिलेंडर या हाइड्रोलिक पाइप्स, तीनों पार्ट्स में से कोई एक सिस्टम डिफेक्ट हो गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। ये आप सब देखोगे जो गियर है वो शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक ही गियर में गाड़ी चल रही है। ये आप सब देखोगे, एक बार दिखाते हैं, इस जगह बिल्कुल पार्ट सूखा हुआ है, कोई लीकेज नहीं है सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम की। एक बार इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं फिर दिखाते हैं आगे। जैसे कि अभी आप सब देखोगे इसका बोनेट है या हुड है जो ओपन कर लिया गया है, इस जगह इसका सिस्टम होता है, इस जगह प्रेस करके आप सब जो बोनेट है या हुड ओपन कर सकते हो। ये आप सब देखोगे फ्रंट में इसका इंजन दिया जाता है, और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ये आप सब देखोगे ये ब्रेक ऑयल से, आप सब देखोगे ये सिलेंडर दिया जाता है, एक ये सिलेंडर है क्लच सिलेंडर, और एक ट्रांसमिशन के अंदर दिया जाता है एक सिलेंडर, दोनों सिलेंडर या पाइप्स हैं ये, इन तीनों सिस्टम में से कोई एक पार्ट्स डिफेक्ट हो गया। आप सब देखोगे ये हाइड्रोलिक इस जगह से इनलेट पाइप है, ये क्लच सिलेंडर है, इस जगह से हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगा, फिर ये प्रेशर यहाँ से क्रिएट होता इस सिलेंडर में जाएगा ट्रांसमिशन पे, फिर यहाँ से और हाई प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी मदद से जो क्लच सिस्टम है वो अंगेज और डिसंगेज होता है। जो प्रेशर प्लेट का आप सब देखो, जो प्रेशर प्लेट का ऊपर का पार्ट्स होता है, जब वो फिंगर प्रेस होते हैं तो अंगेज और डिसंगेज होती है इसका क्लच सिस्टम, जो क्लच प्लेट्स हैं। अब जो प्रॉब्लम है अभी निकल गया, ये या तो इसका ये सिलेंडर डिफेक्ट है, या तो हाइड्रोलिक पाइप्स डिफेक्ट है पूरी, या तो इसका ट्रांसमिशन के अंदर जो एक बैरिंग दी जाती है क्लच बैरिंग डिफेक्ट है। अभी आप सब देखोगे इस जगह तो कोई सीलन नहीं है, ये आप सब देखोगे इस हिसाब से जो इसकी वायरिंग है, ये जो पाइप्स हैं ये पाइप डिफेक्ट नहीं है। आप सबने देखा अभी जो उसका अंदर का पार्ट था सिलेंडर वो डिफेक्ट नहीं है, इस पर कोई सीलन नहीं है, लेकिन जब हम गाड़ी के नीचे आते हैं आप सब देखोगे इसके ट्रांसमिशन में ये वाला पार्ट, ये आप सब देखोगे बिल्कुल ये लीकेज है, और जो प्रॉब्लम है इसके इस जगह से है, जो हाइड्रोलिक का सिस्टम है वो फेलियर इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसका सिस्टम है जो सिलेंडर है वो डिफेक्ट हो गया। और जो प्रॉब्लम निकल गया है आप सब देखोगे, जो ट्रांसमिशन के अंदर एक क्लच बैरिंग दी जाती है वो बैरिंग डिफेक्ट है, बाकी सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब जो सिस्टम है ये ट्रांसमिशन, ये आप सब देखोगे इस जगह से लेके वो पीछे तक का पार्ट पूरा कंप्लीट रिमूव किया जाएगा, तब जाके वो क्लच बैरिंग रिप्लेस की जाएगी। जो क्लच बैरिंग है वो हाइड्रोलिक बेस्ड है, मैनुअल कोई बैरिंग नहीं है इसमें, क्योंकि पूरा सिस्टम इसका हाइड्रोलिक बेस्ड है, और वो सिस्टम इसका डिफेक्ट हो गया है, और आज की वीडियो में वो बैरिंग रिप्लेस की जाएगी। आप सब देखोगे ट्रांसमिशन है पूरा कंप्लीट रिमूव किया जाएगा, और जितनी भी फिटिंग है टोटली सारी आप सब देखोगे इस जगह की, ये जैसे बैटरी मॉड्यूल्स जितनी फिटिंग है टोटली सारी रिमूव की जाएगी, तब जाके इसका ट्रांसमिशन बाहर निकलेगा, और बाहर नीचे साइड भी काफ़ी फिटिंग्स है, ये आप सब देखोगे माउंटिंग्स है, नीचे मेंबर है, और जितने भी आप सब देखोगे इस जगह टायर दिए गए दोनों कंप्लीट टायर्स रिमूव होंगे, काफ़ी फिटिंग्स हैं। ट्रांसमिशन रिमूव होगा तो इसके जो एक्सल है वो भी रिमूव किए जाएंगे, कंप्लीट इसका पार्ट्स रिमूव करते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं।
और ये गाड़ी है मारुति सुजुकी SX4 पेट्रोल इंजन। आप सब देखोगे कंप्लीट इसका ट्रांसमिशन रिमूव कर लिया गया है, पूरा सिस्टम इसका आप सबने देखा स्टार्टिंग में वो क्लच सिलेंडर है, इस जगह पाइप है, उसके बाद एक सिस्टम होगा जो क्लच बैरिंग होती है वो पूरी कंप्लीट हाइड्रोलिक है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है पूरा कंप्लीट हाइड्रोलिक बेस्ड है जो क्लच सिस्टम है। आप सब देखोगे ट्रांसमिशन कम्प्लीट रिमूव कर लिया गया और ये इसका ट्रांसमिशन है। और जो प्रॉब्लम है इसकी आप सब देखोगे ये इतना ये लीकेज है पूरी, ये आप सब देखोगे ब्रेक ऑयल है, क्योंकि जो कनेक्शन होता है हाइड्रोलिक का वो ब्रेक ऑयल से दिया जाता है। आप सब देखोगे ये जो सिस्टम है पूरा ये बिल्कुल डिफेक्ट हो गया है, पूरी बैरिंग का आप सब हाल देखोगे ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये पूरी बैरिंग ये आप सब देखोगे ये पूरा सिस्टम डिफेक्ट हो गया है, पूरी इसकी क्लच बैरिंग है जो डेड हो गई है। और आज की वीडियो में इस पार्ट्स को रिप्लेस किया जाएगा, तो आप सब देखोगे जो सिस्टम था पूरा डिफेक्ट होने की वजह से जितना भी इसका सिस्टम है कलर सिस्टम कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम में लीकेज आ जाएगी वो पार्ट्स डिफेक्ट हो जाता है। जैसे आप सब देखोगे पार्ट्स इसका ये डिफेक्ट पार्ट्स है जिसकी वजह से जो इसका सिस्टम था प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, ये पूरी बैरिंग बिल्कुल सड़ गई है, कम्प्लीट इसकी बैरिंग रिप्लेस की जाएगी। आप सब देखोगे कि आप सब देखोगे इसकी क्लच बैरिंग है जो बिल्कुल डेड हो गई है, और ये इसका रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है मारुति का। ये आप सब देखोगे जो क्लच बैरिंग है कंप्लीट रिप्लेस कर दिया गया है, पूरा सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस किया गया है। ये आप सब देखोगे पूरा ये हाइड्रोलिक क्लच बैरिंग है, ये आप सब देखोगे जिस जो क्लच बैरिंग है इससे जो फिंगर है ये आप सब देखोगे जो फिंगर है ये फिंगर अंदर प्रेस होता है जिसकी मदद से हेल्प से क्या होता है जो क्लच प्लेट है वो एंगेज और डिस एंगेज होती है जब हम गियर चेंज करते हैं। आप सब देखोगे ये पार्ट्स रिप्लेस किया गया है, ये मारुति का ओरिजिनल रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं। और ये इसका पुराना पार्ट्स ये आप सब देखोगे बिल्कुल डेड हो गया है, ये पूरी बैरिंग ही जल गई है, ये पूरा सिस्टम ये आप सब देखोगे। जैसे कि अभी आप सब देखोगे फिटिंग टोटली सारी कंप्लीट कर दी गई है, ट्रांसमिशन कंप्लीट टाइट कर दिया गया है। इस जगह आप सब देखोगे जो बैरिंग है इस जगह से एयर ब्लीडिंग की जाती है, जब आप इस बोल्ट को रिमूव करोगे तब इस जगह से जो एयर है वो बाहर निकलेगी पूरी हाइड्रोलिक सिस्टम से, क्योंकि पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में एक तो एयर है और इस जगह आप सब देखोगे इसमें अभी ब्रेक ऑयल टॉप अप किया जाएगा उसके बाद कंप्लीट एयर रिमूव की जाएगी। ये आप सब देखोगे इसमें कंप्लीट एयर ब्लीडिंग की जाएगी हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम में। इस जगह आप सब देखोगे क्लच बैरिंग है जो ट्रांसमिशन के अंदर है, ये इसकी हाइड्रोलिक पाइप्स है और इस जगह इसका सिलेंडर दिया गया है। इस जगह जब आप एयर ब्लीडिंग करोगे तब ये जो ऑयल है वो पूरा होना चाहिए, या तो अलग से इसकी सेपरेट कोई सिस्टम दिया हो इस तरह की बोतल, तो आपको उस बोतल में फिल करना है पूरा ब्रेक ऑयल। आप सब देखोगे इस जगह से ये ऑयल फ्लो होगा उस सिलेंडर में, वहाँ से फ्लो होगा इस पाइप से होता हुआ इस सिलेंडर में आएगा। आप सब देखोगे इस जगह इसका ये बोल्ट किया गया है, ये आप सब देखोगे इस जगह बोल्ट किया है जो 11 mm की टूल से आप यूज़ करके लूज कर सकते हो, ये आप सब देखोगे इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है इस बोल्ट्स को बिल्कुल लूज़ कर देना है। ये भी आप सब देखोगे इसमें पाइप लगाया गया है, इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हो, नहीं आप जो ये बोल्ट्स हैं इसको लूज़ करके आप एयर ब्लीडिंग कर सकते हो, पाइप से ये रहेगा। अभी हम जो ब्लीडिंग करेंगे एयर ब्लीडिंग वो आपको इजीली देखेंगे, ये आप सब देखोगे ये पूरा जो सिस्टम है पूरा
पूरा उस जगह से जो फ्यूल है वो फ्लो होता होता पूरा इस सिस्टम में आएगा पाइप में। पहले सिलेंडर में भरेगा, सिलेंडर से फिर होता हुआ इस पाइप में आएगा, पाइप से फिर वो इस जगह आएगा। ये आप सब देखोगे जब कभी भी एयर ब्लीडिंग की जाएगी तब इस बोल्ट को लूज़ करना है, जब इसमें से बबल सारे रिमूव हो जाएंगे तब इस सिस्टम को टाइट कर देना है। देखिए आप सब देखोगे एयर ब्लीडिंग कंप्लीट हो गई है, अब जितनी भी फिटिंग है टोटली सारी कंप्लीट कर देंगे। जैसा कि अभी आप सब देखोगे कैबिन के अंदर आ गए हम, और जो पहले प्रॉब्लम थी इसके क्लच पैडल में वो प्रॉब्लम अब बिल्कुल सॉल्व हो गई है। इस जगह का सिलेंडर ठीक था, ऊपर का आप सबने देखा जो पाइप था इसका सिस्टम जो हाइड्रोलिक दोनों हाइड्रोलिकों को कनेक्ट करता था वो सिस्टम भी ठीक था। जो बैरिंग थी इसकी हाइड्रोलिक बैरिंग जो ट्रांसमिशन के अंदर दी गई थी वो सिस्टम इसका डिफेक्ट था। आप सबने देखा जो बैरिंग थी बिल्कुल डेड हो गई थी। अब आप सब देखोगे ए बी सी एक्सीलेटर ब्रेक एंड क्लच पैडल, ये इसका क्लच पैडल है। ये आप सब देखोगे जो पहले प्रॉब्लम थी इसका जो क्लच पैडल था बिल्कुल फ्री था, ये आप सब देखोगे अब ये बिल्कुल वर्क कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है क्लच पैडल इसका। जो पहले प्रॉब्लम थी इसके जो गियर थे वो गाड़ी एक ही गियर में शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी है वो एक ही गियर में शिफ्ट होके चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा फ्यूल खाती है जब गाड़ी किसी भी गियर में एक गियर में गाड़ी चलती है। अब जो प्रॉब्लम है इसकी बिल्कुल सॉल्व हो गई है और गाड़ी जो है स्टार्ट होके आई थी सेकंड गियर पे, गाड़ी सेल्फ मार के स्टार्ट हुई, झटके मार के गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन चलेगी तो चलती रहेगी गाड़ी, गियर लेकिन चेंज नहीं होंगे। अब वो जो प्रॉब्लम है अब वो इसकी सॉल्व हो गई है। आप सब देखोगे इसका सिस्टम है जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, क्योंकि जो SX4 है इसमें पूरा सिस्टम हाइड्रोलिक बेस्ड दिया गया है। इसका क्लच सिस्टम आप सब देखोगे हाइड्रोलिक सिस्टम है पूरा, इसमें कोई वायरिंग जो वायर आती है और गाड़ियाँ होती हैं उनमें वायर दी जाती है लेकिन इसमें वायर नहीं दी गई है। ये आप सब देखोगे ये पूरा सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, कंप्लीट एयर ब्लीडिंग कर दी गई है। इस जगह आप सब देखोगे अब जो गियर है वो इजीली शिफ्ट होंगे, बंद गाड़ी में तो गियर शिफ्ट होंगे, जब गाड़ी स्टार्ट होगी तब आपको दिखाते हैं गियर शिफ्ट करके। ये आप सब देखो कितना पैडल आ गया। करते हैं फिटिंग पहले कंप्लीट फिर आपको दिखाते हैं।